Hello everyone. In last video, I discussed regarding introduction of epidemiology. So today we are going to look at one of the analytical study, that is cohort study. So first we will see the meaning of cohort study. The meaning of cohort study is people who share common characteristics. So what is the meaning of cohort study? Cohort study is people who share common characteristics. For an example, if you look at people who are working in same occupation, we can consider it is an occupational cohort. Example, doctor, nurses, factory workers are cohort. If we study on student, so students of that particular class will be a student cohort because they share common characteristic. So it was all about the meaning of cohort study. Now we have to understand how cohort study proceed, and for that we have to understand types of cohort study. So next we will see types of cohort study. Basically, if you see information available on book, you will find out two types of cohort study, that is prospective and another one is retrospective. But there are three types of cohort study. First one is prospective, then retrospective, and third one is the combination of both retrospective and prospective cohort study. So there was total three types of cohort study: prospective cohort study, retrospective cohort study, and combination of both retrospective and prospective cohort study. Now we will see one by one about the types of cohort study. First, we will see prospective cohort study. It is also known as longitudinal study. अब आपको prospective cohort study को समझने के लिए इस design को समझना होगा. इस डिजाइन में आपको यह समझना होगा कि इस स्टडी के लिए कौन कौन से क्रूशियल पॉइंट हैं, और इस डिजाइन में आपको यह समझना होगा कि जो क्रूशियल पॉइंट हैं वह क्या हैं, और उनकी शुरुआत कब होती है और उनका डायरेक्शन क्या होता है. जैसा कि आप इस स्टडी के अंदर देख सकते हैं, इस डिजाइन के अंदर देख सकते हैं, इस डिजाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है वह है कि आपकी कोहोर्ट स्टडी है, जो प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी है, वो स्टार्ट कब होती है. इन दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन दोनों पिक्चर में आप देखते हैं कि जो कोहोर्ट स्टडी है वो स्टार्ट होती है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. चाहे वो एक्सपोजर के बाद में स्टार्ट हो या फिर एक्सपोजर के पहले स्टार्ट हो, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी हमेशा डिजीज के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट होती है. एंड सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इस डिजीज का डायरेक्शन क्या है. ये एरो यहाँ पे किस चीज को इंडिकेट करता है? ये एरो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टडी है वो किस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होती है. प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी होती है वो हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर डायरेक्शन की ओर प्रोसीड होती है. सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी. नेक्स्ट वी विल सी रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी. रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी पूरी तरीके से प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी की ऑपोजिट स्टडी होती है. अब यहाँ पे क्या होता है, जो डिजीज स्टार्ट होती है
सॉरी जो स्टडी स्टार्ट होती है वो डिजीज के ऑक्यूरेंस या फिर डिजीज के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट होती है। इस डिजाइन के अंदर आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या होता है, जो स्टडी स्टार्ट होती है वो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज स्टार्ट होती है, और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर जो हमारा डायरेक्शन होगा वो प्रेजेंट से पास की ओर होता है। जो स्टडी प्रोसीड करती है रेट्रोस्पेक्टिव वो प्रेजेंट से पास डायरेक्शन की ओर प्रोसीड करती है। अब हमारे पास में जो इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर जो हमने ग्रुप लिया है उस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी डिजीज का डेवलपमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सपोजर को फाइंड आउट करते हैं और उस एक्सपोजर का उस डिजीज का एक्सपोजर के साथ में रिलेशनशिप को हम रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी के अंदर फेस करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। इस डिजाइन के अंदर हम रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव दोनों डिजाइन का यूज करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर टेक रेट्रोस्पेक्टिव ग्रुप एंड देन फॉलो कोहोर्ट इन फ्यूचर। तो जो रिसर्चर होता है वो अपनी स्टडी को डिजीज के डेवलपमेंट होने के बाद में स्टार्ट करता है और फर्स्ट वह पास डायरेक्शन के अंदर जाता है और एक्सपोजर को फाइंड आउट करता है और एक्सपोजर फाइंड आउट करने के बाद फिर से इस डिजीज को फ्यूचर डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करता है ताकि उस डिजीज के फर्दर आउटकम को वो आइडेंटिफाई कर सकें। तो यह था कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी के बारे में। नेक्स्ट वी विल सी इंडिकेशन ऑफ कोहोर्ट स्टडी। हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन और वेयर वी हैव टू यूज कोहोर्ट स्टडी डिजाइन। कोहोर्ट स्टडी we have to use when there is a good evidence of exposure and disease. Suppose if you are using prospective cohort study, तो उस time पे हमारे पास में जो exposure के evidence हैं वो होने चाहिए। For an example, अगर हम smoking can cause lung cancer, इस hypothesis को हम test करते हैं और test करने के बाद जो हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किए हैं हमारी स्टडी के अंदर, अगर उन इंडिविजुअल्स के अंदर स्मोकिंग के एविडेंस नहीं है तो हम इस स्टडी को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वी नीड टू ग्रुप्स, वन एक्सपोजर ग्रुप एंड अनदर वन इज नॉन एक्सपोजर ग्रुप। जब हमारे पास में एक्सपोजर के एविडेंस ही नहीं होंगे तो आगे चल के हम इस स्टडी का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं और हम एक किसी कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते हैं। सो जब कोहोर्ट स्टडी का हम इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में गुड अमाउंट में एक्सपोजर और डिजीज के एविडेंस हो। अगर हमें रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है तब हमारे पास में एविडेंस होने चाहिए डिजीज का, और जब हमें प्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है दोनों स्टडी के अंदर डिजीज और एक्सपोजर का एविडेंस हमारे पास में होना चाहिए। And second important point है, we have to use cohort study when cohort is stable. मैंने आपको पहले ही बताया है cohort का मतलब क्या होता है। cohort का मतलब एक group होता है जो आपस में share करता है common characteristics. जैसे कि अगर हम किसी students को कुछ study करते हैं तो जो students हैं वो हमारे एक उस class के एक particular class के जो students होंगे वो क्या होंगे, हमारा एक cohort group होगा, क्योंकि उस particular class के students का आपस में जो characteristics होंगे वो match करते हैं। ठीक है, अगर सपोज हमने एक स्टूडेंट्स लिए हैं और वो स्टूडेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं 2 साल या 3 साल के लिए, अगर वो 3 साल तक वो स्टूडेंट्स उसी क्लास के उस क्लास के स्टूडेंट अगर उसी स्कूल के अंदर हो या उसी कॉलेज के अंदर 3 साल तक रहते हैं, हमारा जो डिजीज का जो हमने टाइम स्पॉट स्टडी के लिए जो हमने टाइम फिक्स किया है वो 3 ईयर्स,
और आफ्टर 3 इयर्स भी अगर वो स्टूडेंट्स वहाँ पे उस कॉलेज के अंदर हैं तब तो हम उस स्टडी को वहाँ कर सकते हैं। अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स लेते हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स लेने के बाद में हमें 3 साल बाद उनको फॉलो करना, और फॉलो अप के टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी और स्टेट्स के हों और वो इस सिटी से दूसरी सिटी के अंदर माइग्रेंट हो जाए, वो यहाँ से चले जाए, तो उस कंडीशन में हम स्टडी नहीं कर सकते, तो फॉलोअप काफी मुश्किल हो जाएगा। तो कोर स्टडी हमें तभी करनी है जब फॉलोअप करना इजी हो। कुल मिला के जो ग्रुप होता है, जो कोहर्ट आपने सेलेक्ट किया, वो कोहर्ट क्या होना चाहिए, स्टेबल कोहर्ट होना चाहिए। थर्ड जो इंडिकेशन है स्टडी का वो है व्हेन एम्पल अमाउंट ऑफ फंड्स आर अवेलेबल। व्हाई? बिकॉज दिस स्टडी, कोहर्ट स्टडी इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्टडी, ये काफी लंबे ड्यूरेशन तक स्टडी चलती है और लंबे ड्यूरेशन तक हमको उन सैंपल्स को, उन इंडिविजुअल्स को फॉलो अप करना होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है और उसके लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है और उन रिसोर्सेज के लिए वी नीड मनी। सो कोहोर्ट स्टडी वी हैव टू डू, कोहोर्ट स्टडी वी हैव टू डू व्हेन वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ फंड फॉर कंडक्ट द कोहोर्ट स्टडी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंडिकेशन ऑफ कोहोर्ट स्टडी। Next, we will see design of cohort study. इस डायग्राम के अंदर, इस स्लाइड के अंदर जो आप डिजाइन देख रहे हैं वो डिजाइन है cohort study की। सबसे पहले जब स्टडी हम स्टार्ट करते हैं तब सभी सब्जेक्ट फ्री फ्रॉम डिजीज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने जो स्टडी की पॉपुलेशन सेलेक्ट की है, वो पॉपुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिजीज के अंदर, वो क्या कैसी होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट, वो इंडिविजुअल, वो पॉपुलेशन होनी चाहिए फ्री फ्रॉम डिजीज। अगर हम प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी करते हैं, इस स्टडी को आगे दो ग्रुप में हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपोजर ग्रुप एंड सेकेंड वन इज नॉन एक्सपोजर ग्रुप। आगे हम इन दोनों ग्रुप को फॉलो करते हैं और यह डिपेंड करता है उस डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड पे और रिसर्चर के जो इस स्टडी को करता है उन पे डिपेंड करता है कि फॉलो अप के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन होगा। इस एग्जांपल के लिए स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। अगर सपोज अगर हम आज को एक स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आज, जैसे कि हमने जो हमारा ग्रुप है एक्सपोजर ग्रुप जिसके अंदर स्मोकर्स हैं, उन्होंने स्मोकर्स हमने आज लिए, उनकी स्मोकिंग हिस्ट्री लास्ट 1 ईयर से या 1 मंथ और हाल फिलहाल में स्टार्ट किया, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट 1 मंथ में और आफ्टर 1 ईयर उनको लंग कैंसर डेवलप हो। बिकॉज लंग कैंसर डेवलप होने के लिए आफ्टर स्मोकिंग कम से कम 15 to 20 ईयर्स का टाइम लगता है, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 15 to 20 ईयर्स होता है। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 15 to 20 ईयर्स होगा। अब हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है फॉलो अप के लिए। आफ्टर द टाइम पीरियड हमें पता चलता है कि दोनों ग्रुप में, एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर ग्रुप में, कितने इंडिविजुअल्स के अंदर डिजीज डेवलप हुई है और कितने इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके अंदर डिजीज डेवलप नहीं हुई है। अब फॉलोअप के बाद में हमें जो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है, इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद जो हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कोहोर्ट स्टडी के अंदर, उन फॉर्मूलाज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आप इस स्टडी का डायरेक्शन देख सकते हैं, जो कोहोर्ट स्टडी होती है, प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी होती है, वो प्रेजेंट से फ्यूचर डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द स्टडी डिजाइन ऑफ कोहोर्ट स्टडी। इस डिजाइन को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज जो हमने सबसे पहले पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया है, मान लो कि 2020 के अंदर हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं, 2020 के अंदर हमने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट की है वो है 200, और जो 200 सैंपल्स हैं, इन सैंपल्स के अंदर प्रेजेंट में
लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ है। फिर हम उन सैंपल्स के अंदर डेटा कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ स्मोकर्स। अब डेटा कलेक्शन करने के बाद में अब हमारे पास में हंड्रेड्स इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सपोजर प्रेजेंट है और हंड्रेड इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सपोजर अब्सेंट है। अब इस स्टडी को डिजीज डेवलप होने के लिए, इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है और डिजीज डेवलप होने के लिए कुछ टाइम लगता है। अब यहाँ पे हमने फॉलोअप के लिए 15 ईयर्स डिसाइड किए हैं, तो जो हमारा फाइनल डेटा कलेक्शन होगा रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज वो होगा 2035। अब हम आफ्टर 15 ईयर्स हम देखेंगे कि उन सैंपल्स 100 इंडिविजुअल जो स्मोकर्स थे उन स्मोकर्स के अंदर कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके अंदर लंग कैंसर डिजीज डेवलप डिजीज का डेवलपमेंट हुआ है और कितने केसेस ऐसे हैं नॉन स्मोकर्स में जिनके अंदर लंग कैंसर डिजीज का डेवलपमेंट हुआ है। सो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये एग्जांपल है आपका कोर स्टडी का। फर्स्ट हमने क्या किया, 200 सैंपल लिए। 200 सैंपल लेने के बाद हमने रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जो 100 सैंपल्स थे जिनके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, नेक्स्ट 100 सैंपल थे जिनके अंदर रिस्क फैक्टर अब्सेंट था। फिर हमने इस रिस्क फैक्टर को आफ्टर 15 ईयर्स फॉलो करते हैं तो आउट ऑफ 180 सैंपल्स के अंदर लंग कैंसर डेवलप हुआ और 20 सैंपल्स ऐसे हैं जिनके अंदर लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ। नॉन एक्सपोजर ग्रुप में भी 10 सैंपल्स ऐसे थे जिनके अंदर लंग कैंसर डेवलप हुआ और 90 ऐसे थे जिनके अंदर लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ। और इस स्टडी को करने के लिए हमने 15 ईयर्स का टाइम लिया, तो 2020 में हमने स्टार्ट किया एंड 2035 के अंदर हम इसको फॉलोअप करने के बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। नेक्स्ट वी विल सी द स्टेप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी। देयर आर टोटल 5 स्टेप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी। फर्स्ट वन इज सेलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट। सेकेंड वन इज ऑब्टेनिंग डेटा ऑन एक्सपोजर फ्रॉम द सब्जेक्ट। एंड द थर्ड वन इज सेलेक्शन ऑफ कंपेरिजन ग्रुप। देन फोर्थ वन इज फॉलोअप। द लास्ट वन इज एनालिसिस। सो फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी, दैट इज सेलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट। अब इस स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं, व्हाइल सेलेक्टिंग अ कोहोर्ट वी हैव टू कंसीडर सम पॉइंट दैट इज बोथ कोहोर्ट, कौन से एक्सपोजर ग्रुप और नॉन एक्सपोजर ग्रुप शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज, जो हमने पहले ही डिजाइन के अंदर डिस्कस किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है equally susceptible to disease, मतलब दोनों सब्जेक्ट से एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर के वो इक्वली ससेप्टिबल होने चाहिए डिजीज के लिए। देन दोनों ग्रुप्स के अंदर कंपेरिजन होना चाहिए, मतलब द कोहोर्ट शुड बी अ कंपेरेबल। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन सेलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट a diagnostic and eligibility criteria for the disease should be well defined in advance. So ye kuch point maine aapke sath discuss kiye selection of study subject ko, jab bhi hum subject population ko select karte hain us samay hame in points ko dhyan mein rakhna chahiye. The next step is obtaining data on exposure. In this step we find out the information regarding exposure. ठीक है, अब हम यहाँ पे मेल से हिस्ट्री कलेक्शन के या फिर उनका पास रिकॉर्ड चेक करके जितने भी सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किए हैं उन एक्सपोजर्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो जिनके अंदर एक्सपोजर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट स्टेप्स इज सेलेक्शन ऑफ कंपेरिजन ग्रुप। और इस स्टेज में जो ग्रुप है उसे कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेटा कलेक्ट करने के बाद में
हमारे पास में दो ग्रुप बन जाते हैं, एक एक्सपोजर का ग्रुप बनता है और दूसरा नॉन एक्सपोजर का ग्रुप बनता है। अब हम इन दोनों ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देन फोर्थ स्टेप से जो है फॉलोअप। फॉलोअप में काफी जो फोर्थ स्टेप से फॉलोअप जो इस कोहर्ट स्टडी की सबसे क्रूशियल स्टेप्स हैं, क्रूशियल और इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। क्यों? क्योंकि फॉलोअप करने के लिए जो हम स्टडी है वो स्टडी को हम स्टार्ट करते हैं और वो लॉन्जिट्यूडनल स्टडी होती है और कुछ समय के बाद में फिर से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा टेस्ट है वो डिपेंड करता है। सो फॉलोअप में काफी प्रॉब्लम आती है और कभी कभी इंडिविजुअल को फॉलोअप करना मुश्किल भी हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे सपोज हम नोएडा के अंदर स्टडी कर रहे हैं और हमने एक फैक्ट्री वर्कर्स को एक कोहोर्ट ग्रुप बनाया और सपोज उन फैक्ट्री वर्कर्स को हमें 15 इयर्स या 10 इयर्स के बाद में फॉलोअप करना है तो हो सकता है कुछ उसमें से क्या होगा, कुछ वर्कर्स ने अपनी जॉब लोकेशन को चेंज कर दिया हो सकता है वो एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर उन्होंने माइग्रेशन किया हो, उसकी वजह से क्या होता है कभी कभी फॉलोअप उसकी वजह से हमें फॉलोअप करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है उन फैक्ट्री वर्कर्स में से शायद किसी वर्कर की डेथ हो गई हो तो उसको फॉलोअप करना काफी मुश्किल होता है और फॉलोअप ही इस स्टडी की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होती है। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, जो फॉलोअप करने के बाद में हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उस इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करके अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ कोहोर्ट स्टडी हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करने के बाद में एनालाइज करते हैं और एनालिसिस में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूला का यूज करते हैं। उन फॉर्मूला का यूज करने के बाद में जो कैलकुलेशन आती है उस कैलकुलेशन को जो इंटरप्रिटेशन के लिए जो रूल्स हैं उस रूल के हिसाब से हम जो भी एसोसिएशन प्रेजेंट है अब्सेंट है या फिर नेगेटिव एसोसिएशन है इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी। नेक्स्ट वी विल see the strength of association. Now we have to understand how to calculate result in cohort study. तो उसे समझने के लिए हमें strength of association को समझना होगा और strength of association को सबसे पहले आपको मतलब समझना चाहिए कि strength of association होता क्या है। Strength of association is how strong relationship between एक्सपोजर एंड आउटकम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, यह है कि हाउ स्ट्रेंथ इज एक्सपोजर एंड आउटकम, मतलब जो कॉज और डिजीज है उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है उसे ही स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए मेनली वी हैविंग थ्री फॉर्मूलाज। फर्स्ट वन इज रिलेटिव रिस्क, सेकंड वन इज एट्रिब्यूटेबल रिस्क एंड थर्ड वन इज पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क। अब आपको समझना होगा कि रिलेटिव रिस्क क्या है। रिलेटिव रिस्क क्या है, रिलेटिव रिस्क एक रेशियो है जो इंसिडेंस रेट होती है डिजीज का इसके बीच में, एक्सपोजर के बीच में और आउटकम के बीच में। सो रिलेटिव रिस्क क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ इंसिडेंस रेट ऑफ डिजीज अमोंग एक्सपोजर एंड नॉन एक्सपोजर ग्रुप। नेक्स्ट वी विल सी द एट्रिब्यूटेबल रिस्क। एट्रिब्यूटेबल रिस्क क्या है, इट इज अ डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट। क्या है, इट इज द डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट ऑफ डिजीज बिटवीन एक्सपोजर एंड नॉन एक्सपोजर ग्रुप। ठीक है, एट्रिब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, ये डिफरेंस रेट होता है, डिफरेंस होता है इंसिडेंट रेट ऑफ डिजीज का एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर ग्रुप के बीच की। एंड थर्ड फॉर्मूला है पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क। पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, it provide an estimate of the amount by which disease could be reduced in population.
जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्टडी टू प्रिवेंट द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. उस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जनरली उस डेफिनेशन के टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर वी फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी एंड सेकंड पार्ट के अंदर क्या करते हैं, जो स्टडी की इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इन फ्यूचर. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद दिस फॉर्मूला हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक अमाउंट, एक न्यूमरिकल नंबर में हमें एक अमाउंट मिलता है और उस अमाउंट की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर में उस पॉपुलेशन के अंदर अगर हम रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट कर दें तो कितना परसेंटेज जो इंसिडेंस है उसको हम कम कर सकते हैं. सो इट प्रोवाइड पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क प्रोवाइड एस्टिमेट अमाउंट बाय विच डिजीज कुड बी रिड्यूस इन पॉपुलेशन. सो इट वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिस्क एट्रिब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क. So next slide, with the help of example, we will calculate the relative risk, attributable risk, and population attributable risk. So first, we will discuss regarding relative risk. अब इस relative risk को calculate करने के लिए हम यहाँ पे एक hypothesis लेते हैं, lung cancer more common among smokers. तो हम prospective cohort study को use करते हैं जिसमें हमने first 200 samples select किए हैं जो कि free from disease हैं. अब इन 200 samples में हम risk factor को identify करते हैं और data collection के बाद में हमारे पास में information है कि out of 200, 100 samples smokers हैं और 100 samples non-smokers हैं. अब after 15 years हम follow up करने के बाद में हमें information मिलती है कि out of 100 smokers, 80 smokers develop lung cancer. और सेकंड ग्रुप में आउट ऑफ 100 नॉन स्मोकर 10 इंडिविजुअल डेवलप लंग कैंसर. तो ये हमने इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द कोहर्ट स्टडी डिजाइन के ऑर्गेनाइज कर लिया. अब इसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. अब रिलेटिव रिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंसिडेंट रेट इन एक्सपोजर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट इन नॉन एक्सपोजर ग्रुप. अब हमें देखना होगा कि इंसिडेंट इन एक्सपोजर कितना है. एक्सपोजर ग्रुप है जो 100 स्मोकर्स जो तो हमारे यहाँ पे एक्सपोजर्स इंडिविजुअल कितने हैं 100. उन 100 एक्सपोजर ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स में कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे हमारा इंसिडेंस हो गया 80. सो इंसिडेंस इन एक्सपोजर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100. नेक्स्ट वी विल सी इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोजर. तो यहाँ पे नॉन एक्सपोजर इंडिविजुअल्स कितने हैं, नॉन एक्सपोजर ग्रुप में भी इंडिविजुअल 100 हैं और कितने इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर डेवलप हुआ है 10. सो 10 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोजर ग्रुप. अब 80 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा और 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा. जब आप 0.8 को 0.8 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो फाइनल कैलकुलेशन होगी वो होगी 8. अब आपके पास में कैलकुलेशन करने के बाद में एक अमाउंट आ गया है कि आपका जो रिलेटिव रिस्क है वो कितना है 8. अब आप ओनली एक अमाउंट से हाइपोथेसिस को कंक्लूड नहीं कर सकते और टेस्ट नहीं कर सकते, तो टेस्ट करने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन को समझना होगा. अब इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिलेटिव रिस्क के लिए जो रोल होता है का उस रूल को समझना होगा. जब रिलेटिव रिस्क की कैलकुलेशन मोर देन 1 हो तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस के अंदर एसोसिएशन क्या है, प्रेजेंट है. और रिलेटिव रिस्क
अगर इक्वल हो, सपोज अगर हमारी यहाँ पे रिलेटिव रिस्क होता एक, इस एग्जांपल को देखते हैं, अगर सपोज हमारे यहाँ पे नॉन स्मोकर ग्रुप के अंदर भी 80 इंडिविजुअल्स ऐसे होते जिन्हें लंग कैंसर होता, तो हमारा जो रिलेटिव रिस्क है इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोजर ग्रुप कितना हो जाएगा, 80/100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आता, और 1 आने का मतलब है आपका रिलेटिव रिस्क इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, है ना। उसी तरीके से अगर आप सपोज स्मोकर्स ग्रुप के अंदर लंग कैंसर के केसेस कम होते और नॉन स्मोकर्स के अंदर ज्यादा होते, और जब हम कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा जो रिलेटिव रिस्क है वो लेस देन 1 आता, तो लेस देन 1 आता इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एसोसिएशन है वो क्या है, नेगेटिव एसोसिएशन है। इट मींस द रिस्क फैक्टर इज प्रोटेक्टिव। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर हमारी रिलेटिव रिस्क स्टडी को करने के बाद में लेस देन 1 आता है तो इसको हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है इवन वो रिस्क फैक्टर्स हेल्पफुल है उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। इट मींस रिस्क फैक्टर इज प्रोटेक्टिव फॉर द डिजीज, है ना। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो 8 है, और 8 जो है वो 1 से ज्यादा होता है। इट मींस इट इम्प्लाइज द लंग कैंसर इज 8 टाइम मोर कॉमन अमोंग स्मोकर्स देन नॉन स्मोकर्स। इस तरीके से हम हमारी हाइपोथेसिस को कंक्लूड कर सकते हैं। यह आपने देखा रिलेटिव रिस्क। नेक्स्ट देखिए आप एट्रिब्यूटेबल रिस्क। सेम वही एग्जांपल और वही डिजाइन को लेकर और वही नंबर्स को लेकर हम एट्रिब्यूटेबल रिस्क काउंट करते हैं। एट्रिब्यूटेबल रिस्क काउंट करने का फॉर्मूला होता है इंसिडेंस इन एक्सपोजर माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोजर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट इन एक्सपोजर, और इस पूरी कैलकुलेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 के सामने। तो यहाँ पे हमारा इंसिडेंट इन एक्सपोजर कितना है, 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट इन एक्सपोजर। अब इसको हमें माइनस करना है इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोजर से, तो हमारा इंसिडेंस कितने हैं नॉन एक्सपोजर में, 10, वो टोटल नंबर से हमारा 100, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज होल डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोजर। इंसिडेंस इन एक्सपोजर है 80 डिवाइडेड बाय 100, और जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद में जो नंबर्स आता है वो होगा 88%। इसको आप जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 80% ऑफ केस ऑफ लंग कैंसर अमंग स्मोकर्स आर एट्रिब्यूटेड टू देयर हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो एट्रिब्यूटेबल रिस्क क्या थी, इट इज अ डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट ऑफ डिजीज बिटवीन एक्सपोजर एंड नॉन एक्सपोजर। तो जो एट्रिब्यूटेबल रिस्क है हमारा 88% का मतलब है कि 88% जो लंग कैंसर के केसेस हैं स्मोकर्स में जो एट्रिब्यूट करते हैं किसको, उनकी एक्सपोजर की हैबिट को। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एट्रिब्यूटेबल रिस्क। नेक्स्ट वी विल सी पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क। पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क को समझने के लिए भी हम उसी डिजाइन को और उसी नंबर्स और उसी एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन एट्रिब्यूट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है इंसिडेंस इन टोटल। ध्यान रखिएगा आई कैपिटलाइज स्मॉल टी का मतलब है इंसिडेंस इन टोटल माइनस इंसिडेंट इन नॉन एक्सपोजर ग्रुप डिवाइडेड बाय इंसिडेंट इन टोटल, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम 100 के साथ में। अब इसमें हम यहाँ पे नंबर्स रख के चेक करते हैं जो इंसिडेंस इन टोटल है। अब हमारे दोनों ग्रुप, हमने टोटल स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिए थे 200, तो 200 में कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको डिजीज डेवलप हुआ, 80 एक्सपोजर वाले ग्रुप में है और 10 नॉन एक्सपोजर ग्रुप से है, तो टोटल हमारा इंसिडेंस है 90 out of 200। सो इंसिडेंस इन टोटल हो जाएगा 90/200, इसको हम माइनस करते हैं इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोजर ग्रुप से, इंसिडेंस नॉन एक्सपोजर ग्रुप में 10/100 इज होल डिवाइडेड बाय अगेन इंसिडेंस इन टोटल
ये मतलब 90 डिवाइडेड बाय 200, और इस सारी कैलकुलेशन को जब हम करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है 78%। इसका मतलब होता है कि अगर हम स्मोकिंग के जो रिस्क फैक्टर हैं और उसकी जो हैबिट है उस हैबिट को मॉडिफाई कर दें और उस हैबिट को हम एलिमिनेट कर दें, तो जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर हम 78% लंग कैंसर के केसेस को क्या कर सकते हैं, इराडिकेट कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम इसे कंक्लूड कैसे करेंगे? इट इम्प्लाइज इफ यू मॉडिफाई और एलिमिनेट द स्मोकिंग हैबिट देन 78% ऑफ इराडिकेशन ऑफ लंग कैंसर अमंग पॉपुलेशन एवरी ईयर। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एनालिसिस of the cohort study. Next is the weakness of cohort study. जैसा कि आपको पता है ये study काफी लंबे duration तक चलती है और study के एक अच्छी result के लिए हमें large sample की requirement होती है, जो कि इसकी weakness है। अगर sample कम होंगे तो result इतना अच्छे से नहीं आता है। और study long duration की longitudinal study होती है, इसलिए हमें long time के अंदर जो हमारी कोर स्टडी वो कंप्लीट होती है, और लॉन्ग टाइम पे कंप्लीट होने की वजह से वी नीड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई दिस स्टडी इज एक्सपेंसिव। और फॉलो अप करने कभी कभी क्या होता है, जो हमारा कोहर्ट है उस कोहर्ट का रिस्पांस मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके रीजन होते हैं माइग्रेशन और मोर्टालिटी ऑफ द कोहर्ट, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, जैसे कि स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। अब स्मोकिंग के साथ साथ एयर पोल्यूशन है वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है लंग कैंसर के डेवलपमेंट में। तो इस वजह से जो एसोसिएशन के अंदर थोड़ा सा बायस आने के लिए चांसेस होते हैं कि हम एट द एंड की पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि जो लंग कैंसर डेवलप हुआ है वो पॉपुलेशन की वजह से हुआ है या फिर स्मोकिंग की वजह से हुआ है। सो इट वाज ऑल अबाउट द वीकनेसेस ऑफ कोहोर्ट स्टडी। सो इट वाज ऑल अबाउट द कोहोर्ट स्टडी। सो टुडे वी डिस्कस इन दिस वीडियो रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ कोहोर्ट, देन टाइप्स ऑफ कोहोर्ट, देन स्टेप्स ऑफ कोहोर्ट, देन कोहोर्ट डिजाइन, एंड देन calculation of the cohort study. Thank you so much.